पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो मेन कंसर्न होता है वो देखी जाती है लोकेशन, क्योंकि लोकेशन आपकी डिटरमाइन करती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में कितनी मैच्योर हो पाएगी, वो कितना आपको रिटर्न दे सकेगी उसके ऊपर, और कितना अच्छा रेंटल वैल्यू वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरेट करेगी। अगर मैं कराची की बात करूँ तो अगर आप शराय फैसल देख लें या तारिक रोड देख लें, वहाँ पर जो जिन लोगों के बिजनेसेस हैं, जिन लोगों ने ग्राउंड के शोरूम्स लिए या ग्राउंड की शॉप्स ली, आज वो लोग बहुत फ़ायदे में हैं। आज से 10 से 15 साल पहले वहाँ पे लोगों ने 20-30 लाख रुपए में सिर्फ शॉप्स खरीदी थी, और आज उन्हीं शॉप्स के रेट जोन से 5 से 6 करोड़ तक भी आपको शॉप नहीं मिलती। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद देख लें, इस्लामाबाद में आप F7 देख लें, ब्लू एरिया देख लें, जब सेंटोरस मॉल बनना स्टार्ट हुआ था 2005 में लगभग, तब वहाँ पर आपको जो है ग्राउंड की शॉप्स अराउंड 90 लाख 80 लाख में मिलती थी, और इस वक्त वहाँ पर आपको 12-15-16 करोड़ के अंदर शॉप्स मिलती हैं, क्योंकि लोकेशन हमेशा मैटर करती है। मेन जिना एवेन्यू जो कि बहरिया टाउन कराची की सबसे प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर आपको 1 लाख 1 लाख 20 हज़ार पर स्क्वायर फीट में पहले ग्राउंड के शोरूम्स मिला करते थे, जबकि सिर्फ प्लॉट होते थे, और वो प्लॉट के ऊपर एक पूरी की पूरी 18 से 20 मंजिला की बिल्डिंग जो होती थी वो बिक जाया करती थी। इस वक्त रेडी शोरूम्स आपको 60 हज़ार पर स्क्वायर फीट में मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चांस डील है। इनफैक्ट 55 हज़ार में भी काफ़ी शोरूम जो हैं विद बेसमेंट विद मेज़ानाइन आपको ग्राउंड का शोरूम मिल रहा है, और इनकी अगर रेंटल वैल्यू की मैं बात करूं तो रेंटल वैल्यू मिनिमम भी आपको 4 से 5 लाख ये इन्वेस्टमेंट जनरेट करके दे सकती है। नॉर्मली भी अगर 1000 स्क्वायर फीट का अगर शोरूम हो, 60 हज़ार पर स्क्वायर फीट भी आपको मिल रहा है, तो वो 6 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी बनती है, जिसके ऊपर आपको रेंटल इनकम 4 से 5 लाख रुपये मिल रही है, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा रेंटल रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है। और तो अगर आप रेंटल वैल्यू के लिहाज से अगर देख रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा आपको एक अच्छा रेंटल अमाउंट आपको जनरेट करके देती है, और आरओआई के लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में जैसे अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, 60 हज़ार 55 हज़ार पर स्क्वायर फीट में आपको मेन जिना के ऊपर ग्राउंड के शोरूम्स मिल रहे हैं, जो कि मेज़ानाइन बेसमेंट आपको मिल जाती है साथ, और कई शोरूम्स में तो आपको डबल बेसमेंट मिल जाती है। तो इस तरह की जो आपके पास चांस डील्स आएँ आ रही हो, आप आंखें बंद करके जिस तरह की मार्केट है उठा लें, क्योंकि ये 3-4 महीने ही हैं जिनमें आपको ये रेट्स मिल रहे हैं। इलेक्शन होते कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती की तो इन रेट्स पर चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस बैरियर टाउन के अंदर खुल रहे हैं, जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, यही शोरूम्स की जैसे रेंटल वैल्यू बढ़ेगी, इनकी प्राइस दोबारा से बूम करनी है, दोबारा से इनकी प्राइसेस हाई होंगी। जैसे पहले इनकी प्राइसेस 1 लाख 1 लाख 30 तक गई हैं, एटलीस्ट उन प्राइसेस को तो ये शोरूम्स क्रॉस करेंगे, स्टिल अगर वो प्राइसेस को अगर ये मीट भी नहीं करते सपोज, तो इस टाइम आपको एक शोरूम 6 से 7 करोड़ में बैरियर टाउन कराची में मेन जिना के ऊपर मिल रहा है, और उसकी रेंटल वैल्यू जो है आपको 4 से 5 करोड़ रुपये जनरेट हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा कोई बिजनेस मॉडल आपको मिल सकता है कि आप 6 करोड़ पे इन्वेस्ट करें और महीने का 5 लाख रुपए आप एज आ उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आप हासिल करते रहें, और एक जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपका एक वैसे भी एक असासा है, आपको आने वाले दिनों में कुछ अरसे बाद आपको एक अच्छा आरओआई जनरेट करके दे सकती है, इन टर्म्स ऑफ या इन केस ऑफ आप इसको सेल करते हैं। तो हमारे नंबर नीचे दिए जा रहे हैं, आप हमसे राबता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।